तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूं न्यू वीडियो के साथ। तो जैसे कि पिछले पार्ट में आपने देखा, मैं इस खड्डे से बाहर आता हूं, तभी मेरे को मेरे रास्ते पे मिलता है मेरा दोस्त हमारी एंटिटी के पिताश्री के बारे बताता है। और उसके कैसल के कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढ रहे होते हैं, तभी हम इसके ट्रैप पे जाते हैं और यहाँ हमें मिलती है एक चेस्ट, जिसको खोलते ही हमें एक बुक मिलती है, जिसको मैं अपनी इन्वेंटरी में रख लेता हूँ। और हम बाहर आकर इस बुक खोलते हैं तो हमें मिलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डार्कनेस। हम दोनों उसी कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए निकलते हैं, तभी हमारे सामने आता है एक अजीब सा कैसल, जिस जगह पे मेरा फ्रेंड और लेडी आया होता है, और उसको एक जगह अजीब सी लगती है और उस जगह पे हम कूद जाते हैं। हम इस एक एरिया पे गिर जाते हैं और इसी एरिया पे हमें मिलता है वो ग्लोस्टोन वाला एरिया। जी हाँ, जिस जगह पे वो बुक थ्रो करनी है। तो हम इस जगह पे मैं भेज देता हूँ अपने फ्रेंड को बुड्ढे के पास, ताकि वो अपने मटेरियल ले आए इसको सेव करने के लिए। और तभी मेरे सामने आ जाती है मेरी एंटिटी, जिसके मेरे साथ चलती है फाइट। इस एंटिटी के साथ मेरी काफ़ी ख़तरनाक सी फाइट चलती है, जिसमें ये मेरे काफ़ी ज़्यादा हर्ट्स खा रही थी। फिर मेरा फ्रेंड आ जाता है जो इस एरिया को सेव करने में मेरी मदद कर देता है ग्लास से, और एंड में ये एक बीकन के सिस्टम करता है जिससे ये ग्लास स्ट्रॉन्ग रहे। अब देखिए आगे। तो ओ वो बाहर आ चुके हैं। ओ वो हमारा सामान आ गया, देख। हाँ भाई साहब, हमारा लिटरली इतनी उच्च मतलब कितने ब्लॉक्स का यूज हुआ होगा नीचे ऊपर आने। भैंस किया कि ये हमें कैसे घूर रहे हैं, ऐसी तैसी। लिटरली भाई दिमाग खराब है नीचे। राजा चलते हैं यहाँ फास्ट। मैं एक काम करता हूँ, बुड्ढे के पास चलते हैं। ओ भाई, एक ना मेरे को बाहर निकल के एक चीज याद आ रही है। मैं दरअसल में ना, मेरा जो सा बेस नहीं है वहाँ पे ना, मैंने अपने जानवरों को ऐसे खुला छोड़ रखा है, और एंटिटी की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो मैं अभी ना अपने बेस के पास जा रहा हूँ। अबे यार चल तू जा। अरे नहीं, मैं बुड्ढे के पास मिलूंगा ना, बस मेरे को कोऑर्डिनेट बता दे बुड्ढे के। क्या बुड्ढे के कोऑर्डिनेट्स? नहीं, मैं वहाँ बुड्ढे के पास ही जा रहा हूँ अभी। अबे बुड्ढे के, मैं भी पहुंच जाऊंगा ना बुड्ढे के पास अपना काम करके। तो एक काम करियो, तू मेरे को ना ये आउटपोस्ट के पास ही मिलियो अपना काम करके। मैं यहाँ अपना काम करके यहीं आऊंगा। ठीक है फिर। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ अभी बुड्ढे के पास। ओके बाय, मैं भी जा रहा हूँ। तू निकल जा अपने बेस पे, मैं अपने इसे। तो गाइस, अब के मैंने कहते हैं अपना डिस्कॉर्ड से डिस्कनेक्ट कर लिया है उससे, और अभी मैं जा रहा हूँ बुड्ढे के पास, क्योंकि बुड्ढे को बताना है कि हमने ये पूरा सेव कर दिया, आगे हम कैसे अपने वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं, क्योंकि यार ये वर्ल्ड यार मेरा लवली वर्ल्ड है। तो फास्ट फास्ट चलते हैं अपनी विलेज पे, मेरे को लग रहा है वहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो, वैसे इससे मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ डिस्कॉर्ड में ही है ये इसने लास्ट टाइम बुड्ढे को कहाँ देखा था। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, बुड्ढे की लास्ट लोकेशन क्या है? बुड्ढे की यहाँ रास्ते में आते हुए मेरे को वो तेरी वाली विलेज में ही मिला था। अच्छा फिर ठीक है, ये का ये ना बढ़िया बात। हाँ चल, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा भाई, मेरे को जानवरों के पास बहुत ज्यादा चेती जाना भाई। हाँ ठीक है ठीक है। ओ भाई यार, वैसे मेरा टोटम भी वापस आ गया, कुछ भी। मैं अपना आर्मर नाइक्रो गोल्ड की यार मेरे पास अभी तक है बुक। भाई यार सही है। मैं ढेर सारा अपना रिपेयर कर, ओ रिपेयर को लग रहा है रिपेयर हो गया, हाँ थोड़ा सा रह गया। चलते हैं यार, मैं अभी तक ये डंडा किसने, ये पक्का इसी जब मेरे दोस्त के अंदर एंटिटी थे ना वही। ओ अच्छा, विलेज आ गई भाई, मेरे को मेरे विलेज के बारे में नहीं पता। वाह, चलो विलेज पे चलते हैं फास्ट फास्ट, और बुड्ढे को देखते हैं आसपास दिख रहे हैं नहीं। दिखा। हेलो हेलो, ओ ये बच गया। हेलो हेलो हेलो, तो भाई मुझसे आपसे बात करनी है खतरनाक वाली। तो गाइस, इसने मुझे बताया है कि वो जो कहते हैं अपना डार्क एरिया था, जहाँ वो इतना खतरनाक सा ट्री था, उस एरिया के बीच में एक ग्लोस्टोन था जिसपे एक बुक फेंकेंगे तो उनका पिताश्री यानी एंटिटी का पिताश्री आजाद हो जाएगा, जो इसका नाम नाइक्रो गॉड है। और ये हमें मुझे रोकना, जो इसका भाई है जो किडनैप हो चुका है, वो एंटिटियों ने जो कर रखा है उसे किडनैप, और अब वो उसकी मदद लेने वाले हैं उस
कहते हैं आजाद कराने के लिए, नाइक्रो गॉड को आजाद कराने के लिए अब इसके भाई की मदद ली जाएगी, और उसको उसके लिए वो उनके पास वो डार्क बुक भी आ चुकी है, और मुझे फास्ट फास्ट जाना पड़ेगा। और इसने पोशन ऑफ इवलनेस के बारे भी बताया था, और वो तो मेरे पास है। अबे मेरा डिस्कॉर्ड डिस्कनेक्ट है ना। अबे पोशन का है, अबे पोशन था मेरे पास। अबे यार पोशन का है भाई, कुछ तो गड़बड़ है यार, मेरी इन्वेंटरी से पोशन ही गायब हो गया, ये तो चीट गया भाई। मैं जा रहा हूँ फास्ट फास्ट उसके उस एरिया को, वो कहते हैं देखने कि वो इसका भाई कहाँ है। मैं अभी जल्दी जाके देख के आता हूँ उस ट्री पे। तो गाइस इसने एक और चीज बताई थी मुझे कि ना वो उसकी लास्ट अननोन कहते हैं जगह उसके भाई की, वो मेरा आउटपोस्ट ही है। या वो भाई यार ये तो चीटिंग हो गई भाई, मेरे आउटपोस्ट में क्या हो सकता है, क्योंकि ओ शिट कहीं उसके नीचे ट्रैप तो नहीं हो सकती। मैं जाता हूँ फटाफट उसको बचा भी लूंगा, फटाफट चलता हूँ उसे आउटपोस्ट के पास। ओह मेरा ये अजीब सा कैसल दिख, अबे ये ड्राउनेड मक्कार अभी भी पीछे पड़ रहे हैं भाई। वो कैसल दिख चुका है हमें, और फास्ट फास्ट इस आउटपोस्ट पे चलते हैं, क्योंकि यही आउटपोस्ट है और कौन सा है। आ चुका हूँ मैं, ओ अभी उस साइड जाना है। तो ओ सामने आउटपोस्ट आ चुका है। ओपी भाई अभी फास्ट फास्ट चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। ओ सामने पिलेजर्स, अभी पिलेजर ऐसी तैसी। अरे हाँ अब चलता हूँ मैं अंदर, और अंदर ये पहुँच गया मैं। कैसे है ओबे, ये छेद छेद क्या कर रहा है अंदर। मैं फाफा नीचे जाके देखता हूँ, ये एमएलजी हो गई। भाई अंदर ये क्या हो रहा है भाई, मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ। या तोड़ के फाफ पूरा बेड ड्रॉ कर रखा है तभी। ओबे यहाँ चेस्ट क्या कर रही है, चेस्ट के अंदर क्या होगा खोल के देखे गाइस। ओह इसके अंदर भी बुक। अबे यार ये आर्मर फेंको, आर्मर की भी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज हेल्प मी बाय रोबी, ये रोबी मतलब इसके भाई का नाम रोबी है। भाई चेक कर लेते क्या लिखा है। हेलो आई एम रोबी, आई एम ब्रदर ऑफ रोबन, एंटिटी वाज ट्रैप मी इन दिस प्रिजन। हैं कुछ पल्ले तो पे नहीं, बट भाई मतलब यहाँ उसका भाई ट्रैप हुआ था यार। मैं यहाँ से बाहर निकल तू सबसे पहले, कभी दिमाग खराब इस एरिया पे यार। ये ये नीचे ट्रैप है, इसका मतलब चांसेस है कि आसपास ये हो सकता है। भाई आसपास देखते हैं सबसे पहले, ये नमू भैंस की आंख तेरी। ये नहीं 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 तो अबे अले अंदर भाई, अंदर एले है। ओ भाई सही है, चलो एलो को मारो भाई, मारा रोबी है यार, रोबी को बचाते हैं भाई। एक बार इस कैसल पे चेक करके आता हूँ नीचे मैं, भाई कते नीचे ना हो भाई, एक बार चेक करके आते हैं फास्ट फास्ट नीचे चलते हैं अब। बूम ओ नो 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 हो गया क्लच। ओ फास्ट फास्ट चलते हैं, फास्ट 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 चलते हैं भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरा सामान भी गया यार, इस एरिया पे कोई कर्स्ड है पक्का, कोई कर्स है। मैं फाफा चलता हूँ। अबे यार लैग मत हो भाई, ऐसे टाइम पे लैग मत हो। अभी मैं देख के आता हूँ फास्ट फास्ट पता ही ये। हाँ ये रहा, इस एरिया से है ना सीढ़ियाँ था। चल 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 फास्ट फास्ट पहुँच गया मैं पहुँच गया। ओह शिट इस एरिया पे इतने सारे क्रिस्टल बूटा। अबे अरे ये बूटे का भाई है। ओ नो ये बुक फेंक दे। ओ नो ये बुल ये कौन है, भागो भाई क्या है ये। ओह धमाके हो रहे हैं।